हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मींस टेकिंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। मींस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए गुड्स को आउटसाइड इंडिया ले जाना कंपलसरी है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मींस सप्लाई ऑफ एनी सर्विस व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विसेज located in India, recipient is located outside India, place of supply is outside India, payment for such service has been received in convertible foreign exchange, when the supplier of service and recipient of service are not mainly establishment of a trusting person in accordance with explanation 1 to section 8. मतलब export of service का मतलब क्या हुआ कि supplier in India में है, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, पेमेंट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का जो आता है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए, और सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड नॉट बी डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज डिफाइंड अंडर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 8। Explanation 1 of Section 8 of IGST Act. Explanation 1 में ये दिया गया है कि where a person has an establishment in India and another establishment outside India or an establishment in a state or UT and other establishment outside that state or UT. An establishment in a state or UT and any other establishment being a business vertical registered within same state or union territory, then such establishments will be treated as establishment of distinct person. Friends, सीधी भाषा में बोले तो distinct person मतलब अगर A limited की एक branch गुजरात में है और दूसरी branch महाराष्ट्र में है तो ये दोनों branchों को GST में distinct person माना जाएगा। Deemed export. Deemed export means such supply of goods or services as notified under section 147. Friends, section 147 क्या कहता है, आइए देखते हैं। section 147 में ये बताया गया है कि government on the recommendation of council notify certain goods as a deemed export. लेकिन यहाँ पे condition लगाई गई है कि such goods must be manufactured in India, such goods supply but it does not leave India and payment for such services received either in इंडियन रुपीस और कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। मतलब डीम एक्सपोर्ट का मतलब ये दिया गया है कि एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 147 और सेक्शन 147 में गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि कोई भी गुड्स अगर इंडिया के बाहर नहीं जाता है एंड पेमेंट ऑफ सच गुड्स मे बी आइदर रिसीव्ड इन इंडियन और फॉरेन करेंसी, हालांकि सच गुड्स मस्ट बी मैन्युफैक्चर इन इंडिया, देन इट कैन बी ट्रीटेड एज अ डीम्स एक्सपोर्ट। डीम एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज डीम एक्सपोर्ट। सप्लाई टू ईओयू, एसटीपी, ईएचटीपी, बीटीपी, सप्लाई अगेंस्ट एडवांस ऑथोराइजेशन डीएफआईए, सप्लाई ऑफ गुड्स टू मेगा पावर प्रोजेक्ट अगेंस्ट इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग, सप्लाई टू यूनाइटेड नेशन एजेंसी, सप्लाई ऑफ गुड्स टू अ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट थ्रू अ कंपेटिटिव बिडिंग, सप्लाई ऑफ मरीन फ्रेट कंटेनर, सप्लायर अगेंस्ट ईपीसीजी ऑथोराइजेशन, सप्लायर टू प्रोजेक्ट अगेंस्ट इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग, सप्लायर टू प्रोजेक्ट विद जीरो कस्टम ड्यूटी। फ्रेंड्स, अब एक और कॉन्सेप्ट रहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सपोर्ट के केस में क्या माना जाएगा। एज पर सेक्शन 11B ऑफ IGST एक्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी ए द लोकेशन आउटसाइड इंडिया। मीन्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन आउटसाइड इंडिया। हाउ द एक्सपोर्ट आर ट्रीटेड अंडर जीएसटी लॉ। एक्सपोर्ट को जीएसटी लॉ में कैसे ट्रीट किया जाता है। अंडर द जीएसटी लॉ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैज बीन ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई एंड इट इज कवर्ड अंडर IGST एक्ट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स जीरो रेटेड सप्लाई। फ्रेंड्स, व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई।
As per section 16(1) of IGST Act, zero rated supply means the following supply of goods or services or both, namely export of goods, services or both, or supply of goods, services or both to a special economic zone developer or to a special economic zone unit. Zero rated supply or ITC ka kya relation hai? Friends, subject to section 17(5) of CGST Act, section 75 means blocking of credit. Section 75 में जो दिया गया है उस पे आप ITC claim नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे दिया गया है subject to section 75 of CGST Act, input tax may be availed for making zero rated supply. Notwithstanding that such supply may be an exempt supply. Means zero rated supply पे आप जो जो input use करते हो उस सारे input की आप credit ले सकते हो. फ्रेंड्स यहाँ पे एक रूल वो है कि अगर आप एग्जम सप्लाई करते हो तो आपको प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ती है. हालांकि जीरो रेटेड सप्लाई में ये लागू नहीं होता है क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम अ एग्जम सप्लाई. तो फ्रेंड्स अगर जीरो रेटेड सप्लाई है तो उस पर तो टैक्स नहीं आएगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो. रिफंड क्लेम करने के लिए दो तरीके है. एक तो तरीका है कि आप एक्सपोर्ट अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से करो, मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज करो और बाद में आप अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हो. दूसरा तरीका यह है कि आप गुड्स और सर्विसेज या फिर बोथ का सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करो एंड क्लेम रिफंड ऑफ सच आईजीएसटी ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ. रिफंड के ये तरीके सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर में दिए गए हैं. सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट. एग्जाम्पल, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज विथ इन इंडिया बट पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. सेम फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी लोकेटेड इन दिल्ली रेंटेड आउट टू अ पर्सन रिसाइडिंग इन यूके. फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारे दिल्ली में है तो इसे एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा. वेयर कंसिडरेशन फॉर सप्लाई इज रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी और सच अनदर करेंसी अदर देन कन्वर्टेबल करेंसी. फॉर इंस्टेंस, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय कंसल्टिंग फर्म इन इंडिया टू एन एंटिटी आउटसाइड इंडिया वेयर पेमेंट मेड बाय इंडियन ब्रांच ऑफ ओवरसीज एंटिटी इज इंडियन रुपीज, तो इसे भी एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा. सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अ फॉरेन ब्रांच, अगर हमारी ब्रांच किसी फॉरेन ब्रांच को सर्विस प्रोवाइड करती है, इन दैट केस रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिक्वायर्ड है, देन सच सप्लाई वुड बी कंसिडर्ड एज अ नॉन टैक्सेबल एंड नॉट जीरो रेटेड सप्लाई. Thank you.